खबर राजपुर से मिल रही है, जहां राजपुर के मोरगुंड में सरकारी स्कूल के पीछे मिली 19 वर्षीय युवती की लाश। लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 108 की सहायता से शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर पहुंचाया गया। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। ग्राम मोरगुंड में एक 19 वर्षीय युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोरगुंड में प्राथमिक स्कूल के पीछे 19 वर्षीय रोशनी पिता मांगेला बघेल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रोशनी के भाई का कहना है कि रोशनी की हत्या हुई है। इसके साथ उनका कहना है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। उसी के साथ लड़की के भाई सुभाष ने कहा कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती, जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मौके पर पहुंचे राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव द्वारा बताया गया कि मामले की हर एक एंगल से जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मृत्यु कैसे हुई है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरा मामला डाउटफुल है। जिस परिस्थिति में बॉडी मिली है वह बहुत संदिग्ध है। मामले की स्पष्ट रूप से जांच की जा सके आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या नाम आपका? निशा। क्या हुआ यहाँ पर? मैं बाजार गई थी, बाजार से आई और ताला खोल के बच्चा को लेटरिन ले गई और वहाँ पड़े हुए देखी, मेरी पहचानी भी और बाहर भागी, चिल्लाई और उसका माँ बाप आया और उठाया। कौन थी पास? कौन थी? रोशनी। कहा रहती है? ये पास में घर है, यहाँ रोज कभी नहीं आती हमारा घर। तो आज कैसे आ गई? आज क्या पता कैसे आ गई, और मैं अकेली रहती बच्चानों को लेके। तो मेरे बाजार गए थे? हम बाजार गए थे बच्चों को इंजेक्शन लगवाने। नाम क्या लड़की का? रोशनी। पापा का नाम क्या? मांगीलाल। कैसी हालत में पड़ी थी? उबड़ू ऐसे छपटे हों और जहाँ बाहर जाके चिल्लाई और उसकी माँ आई ना उठाई उनको, और किसी ने नहीं उठाई। तो उन्होंने कैसे देखा आपको? आपको कैसे पता चला कि वो मम्मी उनकी? वो उनकी मम्मी ऊना घर होती, ढूंढ्या करी थी। मैं रोशनी कहाँ है ऐसे करके घर घर सुन ढूंढ्या करी थी। घर के नहीं आई थी क्या? नहीं, घर क्या पता के क्या आई क्या या नहीं आई। सुभाष बघेल। कहाँ रहते हो? मोरगुन। लतिका के कौन लगते हो? हाँ सर, लतिका के कौन लगते हो? भाई हूँ। क्या मामला है? मामला अभी 2 से 2:30 बजे की बात है। छोरी घर से गई, मतलब वो तैयार होके नहा धो के गई है, उसके बाद में छोरी वापस नहीं आई। तो हमने तो देखते हुए, हमको तो पूरा 100% ऐसा लग रहा है कि मर्डर किया हुआ है। क्या चाहते हो? हम सभी से, पुलिस प्रशासन से भी और सभी से, हम गांव ग्रामवासी, हम ये चाहते हैं कि पूर्णतः सही से सही कार्रवाई हो और जो भी दोषी है उसको सजा मिलना अनिवार्य है, और सजा 100% मिलना ही चाहिए। हमारा सबका, ग्रामवासियों का और हमारे पूरे परिवार में ये आज दुखद घटना हुई। और ग्राम मोरगुन में अभी 12 महीने के अंदर ये दूसरा केस है। पहला केस भी हमारे यहाँ एक बालिका को मर्डर करके कुएं में फेंक दिया, और 12 महीने के अंतराल में पहले वो छोरी का मर्डर हुआ। अब हमारी ये, वो भी हमारी बहन, और ये मेरी बहन है और वो भी बहन राधिका, ये दोबारा उन लोगों ने, जिन्होंने भी कोशिश ऐसी करी है, आज हमारी बहनों के साथ ऐसा हुआ। डबल 12 महीने में 2 बार ऐसा हो गया है, और अभी वो दरिंदे कितने और क्या करते, उनके मन के अंदर क्या है, वो गांव में हमारी बहनों के प्रति क्या उनके विचार हैं। तो हम तो पूरे ग्रामवासी यही चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, प्रशासन के, हम लोग प्रशासन के साथ में हैं और पूर्णतः विश्वास भी है, और दोषियों को सजा मिलना बहुत ज़रूरी है, तब हम संतुष्ट होंगे। अगर हमें लगा कि उचित कार्रवाई नहीं हो पाई, तो हम दोबारा, लाश यहीं रहेगी, हम 4 रोज लगे कि 6 रोज लगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी 2-2 बहनें हो गई है, हो सके क्या उनका विचार है। और अंतिम संस्कार जब ही करेंगे, पूरी टीम जांच करेगी, मौके की जांच करेगी, और
पूर्णतः कार्रवाई करेगी और उन लोगों के बारे में सुराग निकालेगी और उनको सजा होगी, जेल में डालेंगे, तभी हम पूर्णतः संतुष्ट होंगे पूरे ग्रामवासी। सर एक युवती का मामला है, ये मोरगुन गांव में एक 19 वर्षीय युवती है, इनकी डेड बॉडी मिली है, परिवार के जन डेड बॉडी को लेकर अस्पताल आए हैं, वो पूरा घटनास्थल देखा गया है और हर एंगल से इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद में इसमें पूरा स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई है और क्या कारण रहा है। सर प्रथम दृष्टि तक क्या लगती है? देखिए अभी जब तक पीएम नहीं होता जब तक तो स्पष्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन डाउटफुल मामला है पूरा, जिस परिस्थिति में डेड बॉडी मिली है तो पूरा संदिग्ध है।